नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव अभियान की समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद है। हमारे लगभग 11,000 के करीब हमारे शक्ति केंद्र, वहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इसको लेकर के नीचे उतरे और जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए गए कि हमने जो काम किया है, चाहे 15 साल की हमारी पहली सरकार थी और बाद में चौथी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, तो उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद चाहिए। और मुझे आज कहने में ये गर्व है, इन यात्राओं को अपार जन समर्थन, एक उमंग और उत्साह के साथ और कई प्रकार के तो ऐसे भावुक क्षण यात्राओं के अंतर्गत देखने को मिले कि जिन गरीबों के जीवन में खुशी आने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता के जीवन में बदलाव आया है सभी समाज वर्गों में, मैं कोट करके इस बात को मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं कि यात्रा में जो देखने को मिला, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का जो मंत्र था, सबके विश्वास के मंत्र पर इस मध्य प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक भाई और बहनों ने भी जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, ये सिद्ध करता है कि जो काम प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी केंद्र राज्य की सरकारों ने जो काम किया है, उनको भी विश्वास इस बात का जागृत हुआ है कि हमारे जीवन में बदलाव अगर आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण से आया है। हमने इन यात्राओं में एक सकारात्मक तौर पर कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बीमारू राज्य को विकसित श्रेणी में लाकर के खड़ा किया और आगे हमारा संकल्प इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प है, इसके लिए जनता का आशीर्वाद जो मिला है आपने वीडियो फिल्म से भी देखा और कुछ पत्रकार मित्र हमारे अधिकांश जो आज यहां पर हैं उनको भी उन्होंने भी कवर किया है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का देश का भी नेतृत्व, चाहे कई राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगे, मध्य प्रदेश की हमारी पूरी लीडरशिप होगी, सभी लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ जब इस यात्रा में सहभाग किया तो जो दृश्य देखने को मिला ये वास्तव में ही हम सब के लिए एक बड़ा अनुकरणीय, इस यात्रा के माध्यम से हमें जनता का जो आशीर्वाद मिला है। मैं अगर इनके आंकड़ों में जाऊं तो पूरी पांचों यात्राओं के अंतर्गत लगभग 2,500 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के हमने जो सोचा था लगभग हम 1185 स्थानों तक स्वागत वगैरह के कार्यक्रमों को लेकर के हम जाएंगे, लेकिन 2500 से ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो प्रयास किया, तो ऐसे स्वागत स्थानों पर कुल रथ सभाएं लगभग 750, जब मैंने पांचों यात्राओं का डिटेल लेने के बाद 750 स्थानों पर रथ सभाओं के माध्यम से जनता को संबोधन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। कुल मंच सभाएं जिनको हमने बड़ी सभा कहा था, पहले प्रेस के अंदर भी मैंने उल्लेख किया था, तो इनमें हमने जो सोचा था उससे ज्यादा लगभग 250 स्थानों पर बड़ी हमारी सभाएं, जिनमें कहीं 20,000 लोग थे, कहीं 25,000 लोग थे, कहीं 10,000 थे, कहीं 5,000 लोग थे, इस प्रकार से 250 स्थानों पर हमारी कुल बड़ी मंच सभाएं हुई। प्रत्यक्ष तौर पर इन मंच सभाओं से लेकर के इन सब में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों का सहभाग, जो हमने नीचे तक प्रचार प्रसार के माध्यम से यात्राओं से जो कनेक्टिविटी हुई उनमें लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यात्राओं का किसी न किसी रूप में संबंध और संपर्क आया, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से घर घर स्टिकर लगाने के फिर इस बार भाजपा सरकार ये भी हमने शुरुआत की थी, तो ऐसे लगभग हम 1 करोड़ लोगों तक संपर्क के तौर पर पहुंचे और प्रत्यक्ष सभाओं में, चाहे वो स्वागत सभा होंगी चाहे मंच सभा होंगी, इन सब में मिलाकर के लगभग 48 लाख लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का हमारे इन यात्राओं के माध्यम से सीधे सभाओं के माध्यम से लोगों की सहभागिता इसके अंतर्गत हुई है। हमने इन यात्राओं में एक विशेष प्रकार का प्रयास भी किया था
कि जनता भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद उमंग और उत्साह से दे रही है, हम सब लोग चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो जनता का जो प्रतिउत्तर है, जनता कहती है कि हां मध्य प्रदेश के अंदर विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र के अंदर मोदी जी ने विकास में मध्य प्रदेश के अंदर जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो गरीब कल्याण में चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत होगा, उज्ज्वला योजना होगी, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास को लेकर के होगा, या मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना से लेकर के, लाडली लक्ष्मी से लेकर के, स्व सहायता समूह की बहनों को सशक्तिकरण बनाने से लेकर आज मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जो ऐतिहासिक काम किए, तो जनता ने कहा कि हाँ गरीबों के जीवन में बदलाव आया है, उनके चेहरे पर जो खुशी है। तो हमने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, हमने एक इसी हॉल के अंदर आदरणीय ग्वालियर की सब ग्वालियर की हमारी जो विस्तृत कार्य समिति थी, जब सदस्यता का अभियान मध्य प्रदेश के मन में मोदी एक कैंपेन हमने लॉन्च किया था, उस समय आदरणीय अमित शाह जी ने उसकी शुरुआत की थी, और इसी सभागार से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और हम लोगों ने मिलकर के यहां से युवाओं के साथ नई सदस्यता, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का अभियान लिया था, जो इस कैंपेन में भी हमने उसको जोड़ा था। मुझे आपको उसका आंकड़ा बताने में बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं कि सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, यानी कल की रिपोर्टिंग है, अभी तक 23,65,711 लोगों को मध्य प्रदेश के मन में मोदी जो कैंपेन लॉन्च किया था उसके अंतर्गत अभी तक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मुझे बताने में इस बात का गर्व है, उसमें लगभग हमारे 8 लाख लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेंबरशिप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसमें उन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, लेकिन नए सदस्य 14,11,754 जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जनरल सदस्यता ग्रहण की है। आपको बताने में एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है, महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया, उसका प्रतिसाद आप देखिए। इस सदस्यता अभियान में 8,40,784 बहनों ने, 65% बहनों ने टोटल सदस्यता की मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये ऐतिहासिक काम जो जनता का प्रतिसाद मिला है उसमें बहनों की भूमिका बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के इस सदस्यता के अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। युवाओं की सदस्यता हम कर रहे हैं, किसानों की भी कर रहे हैं, इस प्रकार से अलग अलग हमारे जो 5-7 मोर्चे हैं वो भी अपना काम करने का प्रयास लगातार इस दिशा में कर रहे हैं। तो एक सदस्यता के अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा प्रतिसाद इसके माध्यम से मिला है। इसी यात्रा में हमने एक प्रयास किया है कि जनता की जन आकांक्षाएं, जो बीमारू राज्य कांग्रेस के 2003 के कार्यकाल का था और 15 महीने के कार्यकाल में एक दुरावस्था का दौर मध्य प्रदेश के अंदर आया, हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम श्रीमान कमलनाथ की सरकार ने जो दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार के सारे पर किया, तो उन सारी चीजों को देख करके हमने जनता से कहा कि जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए आपकी जन आकांक्षाएं क्या हैं, आपके मन में क्या है जो आगामी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इन चीजों को, आपका जो सुझाव होंगे उनको जोड़े। तो हमने एक जन आकांक्षा पेटी, ये काम लगातार यात्राओं के दौरान चला है, और अभी हम इस माध्यम से लगातार सभी जिलों में प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन करते हुए इसका पूरा, कितने लोगों ने जन आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव दिए, ये आंकड़ा पूरा अभी निकल करके जब आएगा तब आपके सामने इसको हम रखेंगे। तो ये भी एक प्रयास हमने इस यात्रा के दौरान किया है, तो इसलिए लगातार 21 दिनों से चली 105 दिन की यात्रा हमने जो पूरी की है, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा के माध्यम से जो ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की इस यात्रा को जो जनता का अपार समर्थन और इसे मिला है, ये वास्तव में ही एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, सभी लोगों ने मिलकर के किया है। मुझे बताने में इस बात के लिए कि इन जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व सम्मिलित हुए,
मैंने पांचों यात्राओं का उल्लेख किया जिसमें हमारे केंद्रीय नेताओं ने हमें आशीर्वाद दिया। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, इसके साथ में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे केंद्रीय मंत्रियों में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, अनुराग ठाकुर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, बीके सिंह जी, पीयूष गोयल जी, स्मृति ईरानी जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वीरेंद्र कटिक जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन यात्राओं में सम्मिलित हुआ है। इसलिए हम निकले थे जनता का आशीर्वाद लेने हरिद्वार। जनता ने दिल खोल कर कहा फिर इस बार भाजपा सरकार। तो इसलिए आज मैं मीडिया के मित्रों के सामने आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से इन सारे मुद्दों को हमने जो उठाया और देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि 64,523 बूथों पर कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के साथ ये यात्रा को जो सफलता मिली है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी मध्य प्रदेश के उन्हें बधाई देता हूं, हमारे पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथ में ही केंद्रीय नेतृत्व ने हमें जो आशीर्वाद दिया, उनका सहयोग हमें जो मिला, इसके लिए उनका भी हम सबका धन्यवाद करते हैं। और आगामी आने वाले समय में 25 तारीख को कार्यकर्ता महाकुंभ, जो आज तक का राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा, माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे और यहीं से विजय संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव का आगाज 25 तारीख को कार्यकर्ता महाकुंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहां से शुरुआत होगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको आशीर्वाद देकर के एक विजय के संकल्प के साथ हमारा कार्यकर्ता महाकुंभ यहां पर कार्यकर्ता महाकुंभ संपन्न होगा। उसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। अलग प्रकार का एक रिफ्लेक्शन, महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, महिलाओं के नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि G20 देशों में वुमेन लीड डेवलपमेंट, महिला आधारित विकास जिसकी शुरुआत हुई है, तो आपको कार्यकर्ता महाकुंभ के अंदर भी महिला नेतृत्व का प्रकटीकरण देखने को किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो मैं आज आप सब लोगों को, यहां पर सभी पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही इस यात्रा को एक यशस्वी यात्रा बनाने में। जन आशीर्वाद को आपका भी आशीर्वाद मिला है, आपने भी अथक मेहनत, मैंने देखा हमारे कई पत्रकार मित्र मीडिया के रात रात तक, कहीं रात को 12:30 बजे सभा हो रही है, कहीं 2 बजे तक, 1 बजे तक यात्राएं चल रही है, स्वागत हो रहा है, रोड शो हो रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्र भी, आपने भी अथक मेहनत जो की और आपने इस यात्रा को कवर करने में, हमें इस यात्रा को जनता तक पहुंचाने में जो आपका भी स्नेह मिला, आपने भी जो इस दिशा में मेहनत जो की है, क्योंकि मैं इसी को यही कहूंगा कि रात को आप 2 बजे तक घूम रहे हैं, आप इंटीरियर के अंदर घूम रहे हैं, जो इस बार हमने बहुत नीचे तक जाने का प्रयास किया, तो उसमें पत्रकार मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही, इसलिए मैं आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, हमारे पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का, जिनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि जनता तक गए और जनता ने इतना खुल करके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, इसके लिए मैं पुनः एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आपसे अपेक्षा और आशा के साथ आगामी आने वाले 25 तारीख को जो कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, माननीय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आप सबका भी हमें पुनः उसके अंतर्गत लगातार स्नेह और आशीर्वाद हमारे मीडिया के मित्रों का भी मिलता है, तो मैं आप सबको इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अगले क्रम में मैं केंद्रीय कृषि मंत्री एक आंकड़ा थोड़ा छूट गया, मैं बता देता हूं, यात्रा में कुल जो हमने सोचा था कि हमने 10,600 किलोमीटर करीब हम जाएंगे, लेकिन ये यात्रा लगभग 10,880 किलोमीटर पांचों यात्राओं ने भौगोलिक दूरी जो कवर की है इन पांचों यात्राओं के अंतर्गत, ये आंकड़ा भी आपको बताना मैं जरूरी समझता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुनः माननीय अध्यक्ष जी। मैं अगले क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और एक उत्कृष्ट दूरदर्शी संगठनकर्ता आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूं, कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित
राज्य के एसएसपी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मित्रों, अध्यक्ष जी ने बहुत ही विस्तार से यात्रा पूर्व के संपन्न कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से भी आप सबके सामने विषय रखा है। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ विषय जरूर आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक विकास, जन सेवा और गरीब कल्याण के लिए काम करती है। जब निर्वाचन की बेला आती है तो उन सब उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखें और अगले चुनाव के लिए जनता से आशीर्वाद लें, इसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन होता है। ठीक उसी प्रकार इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ और जन आशीर्वाद यात्रा में जो जनता का अपार स्नेह और जन आशीर्वाद यात्रा को अपने उद्देश्य में जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के ठीक कुछ ही समय पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ 25 सितंबर को संपन्न होने जा रहा है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक धारा है उसकी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। हम प्रतिपक्ष में रहें तो भी, सत्ता पक्ष में रहें तो भी, उसी प्रेरणा के आधार पर सृजनात्मक काम करते हैं और अपने दायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। विधानसभा चुनाव की बेला है, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है, लाखों कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है और मैं समझता हूं कि 25 सितंबर कार्यकर्ता महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजय का संकल्प करेगा तो चुनाव तक की यात्रा और विजय को सुनिश्चित करने का दिन तक मैं 25 सितंबर का ये संकल्प निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश को यहां बैठे हुए महानुभावों ने लंबे समय से देखा है। मैं समझता हूं कि आलोचना के बहुत सारे बिंदु संसार और समाज में विद्यमान रहते ही हैं, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं वे आप सबके सामने ही हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जो जन कल्याणकारी काम हैं उनका भी बहुत ही शिद्दत के साथ क्रियान्वयन किया गया है और दोनों सरकारें मिलकर आज मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ शिवराज जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ मोदी सरकार की भी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास को लें, शिवराज जी ने 44 लाख लोगों को मकान बनाकर दिए। 44 लाख लोगों को अगर अपना घर मिला है तो एमपी के मन में मोदी होगा ही। ऐसे ही कोविड का जब समय था तो लोगों को लगता था कि पता नहीं दुनिया में क्या होगा, सब हतप्रभ थे, लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि दुर्भाग्य से कोविड में बीमारी के कारण किसी के जीवन का अंत हुआ हो, लेकिन भूख के कारण मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ा। और शिवराज जी की सरकार ने भी राज्य के 5 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो पीएम किसान का क्रियान्वयन हो, सीएम किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से जो रंग भरने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए वो बहुत शिद्दत के साथ निश्चित रूप से हुआ है। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका अपना अपना योगदान उनके कार्यकाल में रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य पद्धति है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ और G20 के जो डिक्लेरेशन में महिलाओं पर एक बड़ा पैरा लिखा गया जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। आप सोचिए G20 के लोग अपने घरों तक पहुंच ही पा रहे हैं तब तक भारत की संसद का विदेश विशेष सत्र बुलाकर और बरसों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास करा के पूरी दुनिया में। तो ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे थे जहां बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए, साथ ही साथ 25 सितंबर को जो कार्यकर्ता महाकुंभ भोपाल में आयोजित होने वाला है उसको लेकर भी जानकारी दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।